दोस्तों, मैं आपका होस्ट हुआ दोस्त दलजीत तजनुआ। आपने देखा होगा शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी कुर्बानियों से पूरी दुनिया कायल है, उन्हीं के जीवनी पर आधारित कई लेखकों की ओर से, प्रोड्यूसरों की ओर के लेखक अपने लेख लिखे गए, जीवनी लिखी और उन्हीं पर फिल्में भी बनाई गई, फिल्मांकन भी किया, कि जहाँ वहाँ पर प्रशंसकों दर्शकों की ओर से उन्हें प्रशंसनीय अल्फाज भी बोले गए और वहाँ पर टिप्पणी भी की गई। इसी के अतिरिक्त राजवीर बाबा जी जो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर और लेखक हैं, तो यहाँ इन्होंने एक अलग तरह की फिल्म जो शहीद आजम भगत सिंह के जीवनी पर भगत सिंह को एक और फांसी बनाने का प्रयत्न किया है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो फिल्म है जो पंजाब से इन्होंने शुरू की है, हम उनसे बात करेंगे राजवीर बाबा जी कि ये फिल्म बनाने का उनके जहन में कैसे आया और इस फिल्म में लोगों के लिए, आवाम के लिए क्या संदेश है। जी राजवीर जी, आपका स्वागत है जी राष्ट्र खबर में। बाबा जी, आपने ये फिल्म बनाई जी, आपकी फिल्म का पूरा नाम क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। नाम है जी भगत सिंह को एक और फांसी। राजवीर बाबा जी, आप ये बताइए कि ये जो फिल्म आपने बनाई है, ये वैसे तो पहले भी लोगों ने, बहुत प्रोड्यूसर्स और लेखकों ने अपनी जीवनी लिखी, उन्हीं पर फिल्म बनाई, आपने इसमें कौन सा अलग किया है जो लोग, आपको लग रहा है कि ये लोग, आप शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी अलग फिल्म बना रहे हैं? सर, ऐसा है कि मैं जैसे देखता हूँ उसको तो रोज़ फांसी लग रही है। वो जहाँ की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए क्या सोचता था और उसने अपनी कुर्बानी दी कि कैसा समाज हो, एक साफ़ सुथरा समाज, वो है ही नहीं, नशा तो सोचा ही नहीं उसने, और वो नशे में डूबा हुआ है, तो वो रोज़ फांसी लग रही है। हमने तो एक बार ही लगाने की सोच रहे हैं कि एक बार उसको ये चीज़ दिखाई जाए कि वो रोज़ बेचारा तुम लोगों को देख के, सोच के, ऊपर से कहीं से देख रहा होगा, मर रहा होगा, तो ये सब चेंज किया जाए। वो चेंज तभी होगा जब हम मोबाइल के जरिए इनके दिल में घुसेंगे लोगों के। बाबा जी, ये जो आपने फिल्म बनाई है भगत सिंह को एक और फांसी, ये आपके जहन में कैसे बात आई पे जी आप फांसी बनाएं और लोग उनकी कुर्बानी से अवगत नहीं है, लोगों को आपने अवगत करवाने का ये प्रयत्न किया है, ये कैसे आपके जहन में जाए? ये सर कुदरती हुआ है कि मैं जब थोड़ा निराश होता हूँ तो मैं भगत सिंह जी के यहाँ नमस्तक होने चला जाता हूँ। उस दिन भी जाने के लिए सोचा, दोस्त बहुत होते हैं, बोलते भी हैं काम आएंगे। उस दिन किसी दोस्त को बोला गाड़ी लेके आ, वो नहीं आया, तो मैंने सोचा बस में जाऊंगा। बस के लिए ट्राई किया तो बस वाला बोला हम बस रोकते ही नहीं हो, खटखट का लाना। तब माइंड में आया कुछ किया जाए, आशिकी पे या किस चीज़ों पे तो सब लिख रहे हैं, फिर मैं सोचा इसमें कुछ लिखा जाए, तो वो सोच के लिखा। बाबा जी, अभी आपने ये जो फिल्म बनाई है, इससे पहले भी कोई फिल्म बनाई है क्या? नहीं, एज ए डायरेक्टर मेरी पहली है, मैंने एक्टिंग बहुत की है एज ए एक्टर। अब कितने नाम गिनाऊं, सिकंदर पंजाबी आई थी, भ्रम आई थी रामू जी की, राम गोपाल वर्मा की जो पहली वीरप्पन थी उसमें मैं फाइनल हुआ था, तब मैं एक्टर नहीं था, एक्टर बनाया ही मुझे उन्होंने, तब मैं इस लाइन में आया। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ, मुझे तो सिर्फ सब पंजाबियों की तरह लंदन जाने का ही था, है ना, लंदन जाना था, किस्मत घुमा के कहाँ ले आई, शायद ये दिन दिखाना था मुझे। तब मैं सोचता था गलत हो रहा है मेरे साथ, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा हो रहा है, ये कई चीज़ें, शायद आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होना था, इसलिए इतने मेरे इम्तिहान थे, आज मैं खुश हूँ उस चीज़ से। राजवीर बाबा जी, आपने इस फिल्म में जो स्टार कास्ट लिए हैं, वहाँ से बॉम्बे से आए हुए हैं, अलग अलग फिल्मों के उन्होंने प्रतिनिधित्व की है, उन्होंने रोल किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपने बताया कि आपको वो निःशुल्क आपकी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, इसका क्या कारण मान रहे हैं आप? सर, इसका कारण जब हमने स्टार्ट की थी फिल्म, मेरे साथ एक ही लड़का था हरजीत, उसको मैंने बोला था मेरे पैसे नहीं है देने के लिए जी, तू लिखेगा, वो लिखने लग गया, करते करते वो काफला बन गया। सबने बोला कि जब पहले स्टोरी किसी को बोलते थे तो सब एक्टर बोलते थे मैं 2 लाख लेता हूँ, 4 लाख लेता हूँ, जब कहानी सुनाई तो बहुत से लोगों ने बोला, वीरेंद्र सक्सेना जी और भी कई आर्टिस्ट, बोले यार ये फिल्म बनाओ, पैसे का क्या, पैसा तो हो जाएगा। तब मुझे लगा कि एक्टर ऐसा ही नहीं कि गलत ही कर रहे हैं, पैसे के लिए ही कर रहे हैं। अब देखिए बिना पैसे के वो आ रहे हैं, ये हम तारीफ ही नहीं कर रहे उनकी, ये करनी चाहिए। और सलीम साहब ने तो शायद आप ही थे उस दिन, शायद क्या आप ही थे, सलीम जी ने खुद बोला था कि मैं बिना पैसे करूँगा, और कितनी बड़ी सोच है उनकी, वो मैं सल्यूट करता हूँ उनको। बाबा जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं इस स्टोरी में, हम ये नहीं कहते आपको अपनी स्टोरी का पूरा जो बताएं, अब फिर भी आप हमारे दर्शकों को इसके लिए क्या आकर्षण है, जो क्या अलग है जो आपने इस फिल्म में, इस स्टोरी में लिखा है, जो लोगों को आपको लग रहा है लोग उसे प्रॉपर जो अपना आश्वासन या प्रॉपर उनको अपना देंगे, वो अपना भरोसा या कुछ भी आप देंगे आपको?
सर जी चक्कर क्या है कि मैं प्रॉपर स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता हो कि समाज में चोरी नहीं है, हेरा फेरी है, फिर प्रॉपर बताऊँगा। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म हुई थी पंजाबी शूटर जी, उसका नाम मैंने सुखा सूबेदार रखा था जी। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिन्होंने मेरी 4 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, और वो फिल्म बैन हो गई शायद, मुझे पता चला है। डायरेक्टर तो मुझे पता नहीं, प्रोड्यूसर भी है कोई, एक केवी ढिल्लों करके, उससे बात भी हुई फ़ोन पे मेरी। तो इन लोगों ने वो फटाक से चोरी कर ली थी, इसलिए मैं प्रॉपर सुनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ये भगत सिंह की सोच पे फिल्म है, और अलग उसकी सोच क्या थी उस पे बनाई है, तो अच्छी लगेगी लोगों को मुझे लगता है। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि राजवीर बाबा जी ने अपनी फिल्म भगत सिंह को एक और फांसी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। हमारी कोशिश रही कि जब तक ये फिल्म रिलीज होगी तो तब तक हम राजवीर बाबा जी से फिर बात करेंगे कि उनकी फिल्म में कैसे बनी और कितने कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, ये बात भी हमने उनसे अभी बात की थी, तो हम बात जानेंगे उनसे। बेशक हमने सभी बातें कर ली हैं, फिर भी हमें चाहिए, लग रहा है हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें इस फिल्म में कौन कौन से जिहड़े जो कलाकार हैं काम कर रहे हैं, सर ये बता दीजिए आपको। सर वरिंदर सक्सेना जी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं हमारे लिए, तो बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि जो इस सेवा के लिए आगे आए हैं भगत सिंह जी के लिए, जो मतलब बिना पैसे के लिए सोच रहे हैं सब, वरिंदर सक्सेना हैं, गुलशन पांडे हैं, दिनेश मोहन जी हैं, पंजाब से महावीर भुल्लर साहब हैं, नरेंद्र नीना हैं, तो जो मेन लीड है उनका अभी हम नाम आगे इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि उसमें कई और बड़े लोगों से बात चल रही है, बड़े स्टारों से जो चाहते हैं करने के लिए, वो करेक्टर शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चेंज हो जाएगा। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा।